ये कौन सा पहाड़ है? मलांड मलांड। मलांड? हाँ मलांड है भाई, ये पहाड़ है मलांड। बहुत बड़ी पहाड़ी है भाई ये। बहुत लंबी है। हाँ बलूचिस्तान का सबसे ऊंचा पहाड़ है भाई ये, और लंबा पहाड़ है। बलूचिस्तान का सर्वे कर लो भाई। हाँ दीदार कर लो, ये बलूचिस्तान की पहाड़ी देख लो भाई। जा रहे हैं, हवा चालू हो गई है, किनारे की तरफ जा रहे हैं। किनारे की तरफ जा रहे हैं, हवा चालू है भाई। हवा चालू है भाई, स्टैंड का पंखा लगा हुआ है। चलो जी, खान साहब बुला रहे हैं। कौन सा खान साहब? लाला बुला रहा है ऊपर। यह हमारा लाला साहब उतर रहे हैं छापरे से, हवा में पकड़ पकड़ के, कहीं गिर ना जाए। संभल के आना भाई। सामने मलांड की पहाड़ी है भाई, चाय पी रहा हूँ, आपको नजर आ रहा है। चाय पियोगे? होटल भी जाके पी लेंगे। एक किश्ती डामाडोल होती जा रही है आगे, ये देख ले, बहुत छोटी सी है, नजर आ रही है। देखो पानी में गोते गोते मार रहे हैं, और किनारे पे बहुत सारी किश्तियां गड़ी है। ये जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, ये किश्तियां ब्लैक कलर में जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये काफी दूर है। तो ये सारी किश्तियां नहीं, लांचे हैं बड़े बड़े, ये सारे किनारे पे खड़े हैं। ये छोटे छोटे जितने भी डॉट नजर आ रहे हैं, ये किश्तियां लांचे। चुका है पहाड़, नजर नहीं आ रहे भाई।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. اچھا جی یہ دیکھ لیجئے یہ طوفان چل رہا ہے طوفان ज़बरदस्त तूफ़ान है आंधी भी शुरू हो गई है अल्लाह के हुक्म से ये टलेगा और हम लोग बहुत मुश्किल से जो है ये देख लीजिए भाई बहुत तेज़ हवा है तूफ़ान चल रहा है और तमने का नाम नहीं ले रहे। अकबर भाई आप क्या कहना चाहेंगे? अरे फजल भाई तुमने क्या ड्रामे बनाए हुए हैं, क्या ड्रामे कर रहे हो? तू कहते लोगों को मैं सुल्तान हूँ, तू किस चीज़ का सुल्तान है? अगर तू सुल्तान है तो आज अल्लाह के हुक्म से हवा को रोक के दिखा मेरे को। तो भाई क्या बात कर दी आपने, अल्लाह के हुक्म से हम बहुत कुछ रोक के दिखा सकते हैं, ये तो छोटी सी बात है हवा को रोकने, अल्लाह के हुक्म से खुद ही अल्लाह रोकेगा। यार चलो ट्राई करके देख लेते कौन सी बड़ी बात है, अल्लाह का नाम ले लेंगे और अगर अल्लाह ने हवा रोकनी होगी तो रोक देगा। हमारी जबान तो बहुत नाकिस जबान है तो अल्लाह के हुक्म चलो। अकबर भाई मैं आपकी चैलेंज को देखता हूँ, चलो मैं जाता हूँ थोड़ा सा देखता हूँ ये हवा क्या कर रही है, क्या कर, हमारे कहने से रुकती भी है कि नहीं। चलो ट्राई लगा लो। ट्राई लगा लूँ? लगा ले। चल सुल्तान तेरी बारी आ गई। गई है हवा, आराम से बैठो, इतना शोर मचाया हुआ आवाज है, बंद करो थोड़ा खामोश हो जाओ। हाँ इसी तरह बस 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 आराम से आराम से आराम बस 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 बड़ा मुश्किल से कंट्रोल किया भाई। आप लोगों ने देखा मैं निकला, मैंने बोला बस करो भाई क्या हो गया, चपरा उड़ाओगे क्या तुम लोग? तो ये आप लोगों ने देखा हमारे उस्ताद भी उठ गए डर के मारे कि क्या हो गया, ये देखो एक और उठ रहा है। तो ये देखो ये पर्दे शर्दे खामोश हो गए, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह के हुक्म से हुए। भाई ये हमारे जो भाई आज तीसरा दिन है, तूफानी हवा चल रही है, सुपान लगे हुए ये काफी है, किश्ती गड़े हैं यहाँ पर, हम लोगों ने परसों रात को गेम भी खेला और मुश्किल लग रहे थे, लोगों ने गेम खेला है लड़कों ने, तो गेम शेम हो रही है, मुश्किल उसके लग रहे हैं। बार ये हवा और ये जो गरम शरम जो है बहुत ज्यादा है, किश्तियां नहीं निकल रही है। ठीक है भाई ओके। अस्सलाम वालेकुम समंदर की गहराइयों से,
और बुर्ज खलीफा की ऊंचाइयों से। 2022 हमारा जो है बहुत सख्त था, 4 तूफान हमारे सामने गुजर चुके और शुक्र है कि पहाड़ हमारे करीब थे और हम जो है हमारी किश्ती जल्द से जल्द लग जाती थी पहाड़ के दामन के सामने, तो कम से कम हवाएं झेलनी पड़ी हम लोगों को, बर्दाश्त करनी पड़ी। तो अभी हम लोग यहाँ, आज 31 तारीख है, पहला महीना है, 31 तारीख कल थी, कल भी तेज़ हवाएं और वरम जिसको मैं चौथा तूफ़ान कहता हूँ, 3 तूफ़ान झेल चुके थे और जो चौथा तूफ़ान था महीने के एंड ही था, 31 तारीख का, 31 तारीख को जो तूफ़ान आया था तो उसके आज तो 1 तारीख है, दूसरा महीना है 2022। तो आज अमन है, हवाएं भी रुक चुकी है, पूरी रात हवाएं चलती रही, तो अभी ये हवाएं रुक गई कराची के जानी केमाड़ी की तरफ, रवा दवा हो चुका है फिर हमारा लंच, तो अल्लाह फिर खैर वाफियत से पहुंचा दे। ये हमारे मामा जी है, ठीक है, तो इंशाल्लाह तकरीबन 10-12 घंटे में केमाड़ी पहुंच जाएंगे हम लोग। तो अच्छा जी, सिर्फ ये जो स्मार्टफोन होते हैं ना, ये सिर्फ समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ, जितने भी बड़े सेट होते हैं टच वाले तो ये काम इतने ख़ास नहीं करते, इसके सिग्नल नहीं आते। अगर किसी का भी आना हुआ तो छोटे मोबाइल जो चाइना के होते हैं, तो तकरीबन यहाँ पर 4-5 चाइना के फ़ोन थे, सब में मतलब सिग्नल स्पेशल यू फोन के सिग्नल यहाँ पर आसपास पहाड़ के करीब आते हैं। और टच मोबाइल बड़े से बड़ा होगा, मेरे साथ तो S10 5G मौजूद था लेकिन ये भी सिग्नल नहीं पकड़ रहा था, तो छोटे सेट आगे पीछे किसी से मांगना पड़ते थे फ़ोन के लिए, उसमें अपने सिम लगा के घर में यार दोस्तों से बातचीत हो जाती थी। तो सख्त महीना था, और बहुत सख्त महीना था, तो चलो गुज़र गया। अभी हमारा सफ़र जो है वापस केमाड़ी की तरफ चल रहा है, तो बहरहाल ये एक छोटी सी मैसेज देने की ज़रूर कोशिश कर रहा था कि बड़े मोबाइल स्मार्ट ही रह जाते हैं आपकी वीडियोस वगैरह के लिए और मतलब कोई गपशप के लिए, लेकिन सिग्नल के हवाले से टच जितने भी अच्छा मोबाइल होगा वो काम नहीं करेगा मुकाबले उसके 2500 के चाइना मोबाइल, वो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं यहाँ पर सिग्नल के हवाले से और आपका रब्ता कनेक्ट हो सकता है। तो बहुत कुछ है, बहुत रिकॉर्डिंग है मेरे साथ, तो इंशाल्लाह अभी भी सबसे पहले मैं यही तूफ़ानों के हवाले से, हवाओं के हवाले से वीडियोज़ वगैरह दूंगा, उसके बाद शिकार और गपशप के हवाले से जितने भी मूवी मैंने बनाई है वो देते जाऊँगा तरतीब वाइज। तो यहाँ पर तो नेट वगैरह था नहीं कि मैं यहीं से पूरा महीना मेरा जो है आप लोगों से मैं डिस्कनेक्ट रहा, रबता नहीं था, वीडियोस वगैरह मेरी नहीं आ रही थी, तो वजह भी यही था कि फ़ोन के सिग्नल हमें नहीं मिल पा रहे थे, तो नेट के सिग्नल तो बहुत ही मुश्किल था, नामुमकिन थी, क्योंकि समझ गए होंगे। तो चलो बहरहाल इंशाल्लाह हमारा जो फिर इसके बाद जो है सुनहरा आगे पीछे जितने भी शिकार के हवाले से प्रोग्राम होंगे तो वो आप लोगों से शेयर किया जाएगा। ठीक है जी, इजाज़त चाहेंगे और उम्मीद की जाती है आप सब खैर वाफियत से होंगे इंशाल्लाह। तो जितने भी मतलब ये समंदर में निकलने वाले हज़रात है सब के लिए कभी कभार याद आए तो दवा कर लीजिए करें, क्योंकि बहुत मुश्किलात होती है समंदर में, बहुत बड़ा समंदर होता है और इनके छोटे छोटे वरम हवाएं भी बहुत मुश्किलात हो जाती है जिस हम लोग जैसे किश्तियों में लांचों में मजदूरी करने निकले होते हैं,
तो बहुत मुसीबत होती इन लोगों के ऊपर, तो कभी कभार इन लोगों को भी दुआओं में याद कर लिया करें। इजाज़त चाहेंगे जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।